नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो मूज। उसके लिए हमने मैंगो लिए हैं दो, इनका पल्प निकाल लेंगे। और इसके अलावा मैंने ये दही को कल ये मैंने दही लिया है, इसका मैंने पानी निकाल दिया है, उसको हम टांग दिया था दही डाल के। और ये देखिए, इसका दही का पानी निकल चुका है। अब ये अब इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। मैं पहले ही सबसे पहले ही आम का पल्प लिया मैंने, दो आमों का। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये मैंने पीसी हुई शुगर ली है, जो मैं छोटी टीस्पून, छोटी चम्मच जो है 3 टीस्पून ली है। अब इसको मैं एक बार पीस लेती हूँ उसे। पहले ये हमने मैंगो का पल्प को पीस लिया है बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल बारीक है, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया इसको। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने जो हंकड़ लिया है, इसमें हम थोड़ा सा इसका पल्प मिला लेंगे मैंगो का। चीनी हमने इसमें डाली हुई है। देखिए, ये हल्का येलो कलर का हो जाएगा। इसकी गुठलियां हमने पूरी अच्छी तरह से मिला मिटा देनी है दही की। अब इसको हम चाहे तो चम्मच से ही, चाहे कोन में डाल लेंगे। यह प्लास्टिक बैग लिया है, आपके पास कोन है तो कोन ले लीजिए और उसमें ही डाल देंगे हम। हमने इसमें डाल लिया है, देखिए। अब इसमें हम रबड़ लगा देंगे छोटा। ये हमने अपना जो हंकड़ बनाया है उसको इसमें पन्नी में डाल लिया है। और ये हमारा पल्प है। मैं ये मूज के लिए छोटे गिलास लिए है, उसमें सबसे पहले हम मैंगो का पल्प डालेंगे जिसमें हमने शुगर मिलाई हुई है। देखिए, ऐसे डाल देना थोड़ा थोड़ा। अब इस पाइप इस बैग का हम थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे और इससे हम इसमें डाल देंगे। अब जैसे मर्जी डाल देंगे, बाद में इसको चम्मच से सही कर देंगे। और चाहे तो आप इसे कोन से ऐसे ही रहने दें। ऐसे कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम ये मैंगो के
पीसेस काटे हुए डाइस में, इसको ऐसे ऊपर से सजाएंगे। ये हमारा मैंगो मूस तैयार है। ये हमारा मूस तैयार है। अब हम इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे और फिर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। मैंगो मूस बिल्कुल तैयार है। इसको ऊपर हम थोड़ा सा ये पुदीना के पत्ते इसको सजाएंगे। ये देखिए, इसको आप व्हिप क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कर्ड के साथ ही करें, व्हिप क्रीम के साथ ही, या चीज पनीर बना के उसको मैश करके उससे भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, और मैंगो का भी सीजन भी है। आप बना के देखें, और अगर पसंद आए तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये थैंक यू।